अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमस किचन। आज जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है चने और कोफ्ते का सालन। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1.5 पाव चने थे जो मैंने भिगोकर और बॉयल कर लिए हैं। बिल्कुल नरम बॉयल करने हैं आपने, और ये इसी का बॉयल किया हुआ ये पानी इसमें डाला था, ये वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। ये 4 टेबल स्पून ये मसूर की दाल थी जो मैंने भिगो दिया आधा घंटा पहले, और ये दरमियानी प्याज स्लाइस, ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्च पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, और ये तेज़पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 लौंगी हैं। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप, हरा धनिया, ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। और ये जो मेरे पास आप चीज़ें देख रहे हैं ये कोफ्ते की हैं। आप चाहें तो मटन का बनाएं, बीफ का बनाएं, मैं चिकन का कोफ्ते बना के इसमें डालूंगी। ये 1.5 पाव चिकन का कीमा, जब मैंने कीमा बनाया इसमें मैंने 1 ब्रेड पानी में भिगो के उसको उसका पानी निचोड़ के उसमें कीमा करते वक्त डाल दी थी। ये एक छोटी प्याज कद्दूकश, इसका पानी मैंने खुशक कर लिया है, और ये 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ये धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये 1 बड़ी हरी मिर्च थी ये चॉप कर लिया है। ये सारे हमारे अज्जा जो हैं ये कीमे में है, इसको मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाऊँगी, और ये 1/4 कप ऑयल जाएगा। चलें शुरू करते हैं। ये जो कोफ्ते की आपको चीज़ें बताई थी ये सारी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। ये सारे मसाले मिक्स कर दिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी। अब इसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह, और हाथों को ऑयल लगा के इनके कोफ्ते तैयार करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। ये काफ़ी स्टिकी होता है कीमा। ये सारा मसाला और हरा धनिया जो मैंने डाला था ये मिक्स हो गया है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इन कोफ्तों को मैं तैयार करूंगी। आप जो भी साइज रखना चाहे कोफ्तों का, इसी तरह मैं सारे कोफ्ते रेडी करती हूँ। ये सारे कोफ्ते इसी तरह मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और हम सालन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1/4 कप देसी में ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं स्लाइस प्याज डालूंगी, और ये जो गरम मसाला था ये डाल दूंगी साबुत। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का गुलाबी कलर इसका करेंगे, पिंक पिंक। ये हल्का सुनहरी कलर आ गया, इसमें मैं पानी का छिटा लगाऊंगी। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी। इसको मैं 2 मिनट के लिए भून लूंगी अच्छी तरह, और इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। और साथ ही ये हरी मिर्च की पेस्ट। और इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। अब इसको मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप बाद में इसको देख लीजिएगा, अगर नमक तो कम हुआ तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। ये मसाले अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें मैं दाल डाल दूँगी,
ये जो मसूर की दाल थी पानी में भिगोई हुई, ये डाल दूंगी मैं इसमें। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी थोड़ा सा पानी शामिल करके। ये पानी वही है जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। ये 5 मिनट हो गए थे। ये दाल हमारी मसूर की दाल है, ये आपको पता है जल्दी गल जाती है। अब मैं इसमें जो मैंने 1.5 पाव चने बॉईल किए हुए थे ये डाल दूंगी सारे। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब बाकी का भी जो चने बॉईल वाला पानी था ये भी डाल दूंगी। ये 1 से 2 ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको कवर करूंगी कि इसमें बॉईल आए, उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूंगी। अब इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़े थोड़े इस तरह थोड़े से मैश करूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी जो हमारे चिकन कोफ्ते तैयार हैं फ्रिज में थे, ये एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, चम्मच नहीं चलाऊंगी क्योंकि कोफ्ते डालने हैं इसमें अभी। और मैं बिल्कुल लो पे ना इसको 10 मिनट तक रहने दूंगी ताकि चने भी हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और कोफ्ते भी अच्छी तरह अंदर से इनका कीमा गल जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए लो आंच पे कवर कर दूंगी। ये 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह गल जाए और चने भी मिक्स हो जाए। ये हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह गल गए और चने भी, और मैंने बीच बीच में चम्मच 10 मिनट में 2 मरतबा इस तरह चम्मच मार के थोड़े से चने मैंने इस तरह मैश कर लिए थे चम्मच की मदद से। अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी। कोफ्ते भी गल गए हैं, चने भी हमारे मिक्स हो गए हैं और थोड़ा सा गर्म मसाला ऊपर से मैं और डालूँगी इसके ऊपर और हरा धनिया शामिल कर दूँगी। चले अब मैं इसको 2 से 3 मिनट पका के इसको डिश आउट करती हूँ। व्यूवर्स, चना कोफ्ता सालन रेडी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगली नई वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।